the topic we are going to talk now is the need of the mental health professionals in legal system since we know that at times uh, we heard in forensic psychology there comes the stage when we have to have align the need of the mental health professional with the legal system mental health and behavioral social professionals have increasingly found themselves involved with the legal system as being expert and as being defendant तो उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पेश आती है डिफरेंट सनारी के अंदर जिसकी अभी हम बात करेंगे फोरेंसिकल एंड इमर्जिंग फील्ड एंड फॉरेंसिक क्लिनिशियंस असेसमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है द प्रैक्टिशनर मस्ट बी स्पेशली केयरफुल वायल ट्रेडिंग इन टू लीगल सिस्टम

उसके साथ इक्विंटस डिवेल्प नहीं करतेन यू कैन सी दैट हाउ यू कैन प्ले योर प्रोफेशनली इक्व्ड रोल इन टू दैट सिस्टम लिजलैंड में अराइव फॉर मेंटल हेल्थ एवेल्यूएशन अलॉन्ग एटलीस्ट थ्री डिफरेंट रोल्स नाउ वो लोग जो किसी भी लीगल uh, केस का हिस्सा हैं वो थ्री रीजन से आ सकते हैं अपनी केसेस uh, को लेकर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास फर्स्ट समे कम फॉर एवेल्यूएशन अंडर अ कोर्ट जिनको कोड भेज देता है और वो कहता है कि आप ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल टू असेस द डिफेंडेंट्स कंपटेंस टू स्टैंड ट्रायल और ऑफन गाइडेंस इन अ चाइल्ड कस्टडी केस एक तो सबसे पहले uh, जो सिंपल तरीन बात है लेकिन इट इट सीम्स टू बी सिंपल बट इट्स नॉट दैट सिंपल टू डिटर्मिन दैट आइदर अ पर्सन इज मेंटली एबल इनफ टू डू एनी थिंग और नॉट या वो जिस भी केस के लिए आया है उसमें वो प्रोफेशनली जो है वो मेंटली इंसेन कंसिडर हो रहा है या नहीं हो रहा या अगर एक बच्चे की कस्टडी का केस है उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये एलिगेट करती है कि ये पेरेंट जो है ये मेंटली uh, फिट नहीं है कि ये एक बच्चे की केयर कर सके तो उस सिलसिले में इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है कि उसकी असेसमेंट की जाए और उसका मेंटल हेल्थ स्टेटस देख के बताया जाए कि आदर ही इज मेंटली एबल इनफ टू डू अ चाइल्ड केयर और नॉट

लॉयर ये कहते हैं कि तुम्हारे पास लॉ में ये प्रोविजन है कि अगर तुम ये क्राइम उस सूरत में कर सकते थे कि और तुम बच सकते थे कि अगर तुम मेंटली जो है वो ये प्रूव हो जाए कि तुम मेंटली स्टेबल नहीं हो सो इन दो सिचुएशन पीपल कम टू गेट असेसमेंट बिकॉज दे नीड दैट इंसनेटी डिफेंस दैन थर्ड द पार्टीज मे अग्री टू हैव अजिटेंट वेल्यूटेड इन द एबसेंस ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल इन मैनी सिविल एंड इन मैनी क्रिमिनल केसेज

कोर्ट जा कर भी करवा सकती है सो दीज आर देशिक थ्री टाइप्स ऑफ द रीजन्स बिकॉज ऑफ दम जो लीगली रिलेटेड केस होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास आ सकते हैं फॉर एन असमेंट बट इन सब के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पर्सन शुड हैवे कम्पलीट नॉलेज ऑफ लीगल प्रोसीजर्स एंड ही शुड मस्ट हैव ट्रेनिंग इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी